सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खा पोए रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाने गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हास नगर ब में भी उल्हास नगर जे पेरे में ए कल्याण जी शहर वासिन लाए एक सुहणी सुखड़ी आलीशान ऑफिस ओहो भी कपल ए पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सा गड त अचो ए अजी विजिट कयो रिश्तो.com सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। देखिए, ब्रिज का जो विषय है वो ओमी कलानी जी और मनोज दासी जी ने बताया है कि क्या है, पर जो कल जो उद्घाटन किया गया है कुमार एलानी जी की तरफ से, और वो कह रहे कि 6 करोड़ रुपए के निधि से वहाँ पर रिपेयरिंग किया जाएगा। अब आचार संहिता 12 से लेकर 15 के बीच में कभी भी 2-4 दिन के ही अभी शहर के आमदार कुमार एलानी रह चुके हैं और वो अपने गाड़ियों में नारियल लेकर घूम रहे हैं। आज हनुमान नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, सुभाष नगर, ऐसी जगहों पर उद्घाटन कर रहे हैं वो 10-10, 5-5 लाख रुपए के नालियों के, और ना कोई कॉन्ट्रेक्टर है, ना कोई सिटी इंजीनियर है, ना कॉरपोरेशन का कोई कमिश्नर साथ में है, कोई भी नहीं है। वो लोगों को गुमराह करने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं विकास कर रहा हूँ। 5 साल तक शहर का आमदार सोया रहा और अब 5 साल जाते जाते जो 3-4 दिन का जो आमदार का कार्यकाल रहा है वहाँ पर वो आमदार धनाधन नारियल फोड़ते जा रहे हैं। तो मैं सलाह है और शहरवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो गुमराह कर रहा है आप लोगों को। कोई भी विकास काम होने वाले नहीं है, कोई भी नाली गली बनने नहीं वाली है, सिर्फ नारियल तोड़ रहे हैं। मेरी आमदार को सलाह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल सिम्बॉल पर न लड़कर उनका आने वाला विधानसभा के चुनाव में जो सिम्बॉल है वो नारियल सिम्बॉल लगकर लोगों के सामने जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे शहर में फेमस हो चुके हैं कि नारियल तोड़ने वाला आमदार है। और मैं आपके आप पत्रकारों के माध्यम से यही कहूंगा कि मनपा आयुक्त से भी मैंने अभी जाकर बात की है कि जो भी उद्घाटन हो रहे हैं उसके कहां पर भी वर्क ऑर्डर नहीं है, कोई भी वर्क बिगर वर्क ऑर्डर के वहां पर उद्घाटन किए जा रहे हैं। और अभी ही 4:30 बजे सिटी इंजीनियर और कमिश्नर के पास जाकर आमदार का प्रेशर था कि 1 करोड़ रुपये के जो काम है वो 1 करोड़ रुपए के काम के वर्क ऑर्डर, जहां पर टेंडर कोई सिस्टम हुआ ही नहीं और वर्क ऑर्डर देने का प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने अभी आयुक्त साहब महोदय से कहा कि विकास शहर का होना चाहिए पर पारदर्शिता होनी चाहिए टेंडरों के अंदर, वो टेंडर रोका गया है। कहां पर भी सिटी इंजीनियर को भी मैं ओमी कलानी के माध्यम से मैं सिटी इंजीनियर को कहूंगा कि एक भी गलत वर्क ऑर्डर तरीके से दी गई तो सिटी इंजीनियर की निलंबन की कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और जो आमदार जो है वो आए दिन जो नारियल फोड़ते जा रहा है, शहरवासियों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप 4.5-5 साल तक आप लोगों ने क्या किया और जाते जाते 5 दिन ये शहर का आमदार शहरवासियों को गुमराह कर रहा है। कोई भी नाली, कोई भी गली नहीं बनने वाली है। और शार्ट ब्रिज का भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 13 तारीख तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी काम चालू होगा। ये भी ब्रिज का जो 6 करोड़ रुपए है इसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है कि आमदार कुमार एलानी जी जहां जहां पर भी उद्घाटन कर रहे हैं वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के व्यापारियों को शहर के आमदार से पूछे, क्योंकि 4 दिनों में भारी भरकम कम से कम 250 से 300 नारियल अपने गाड़ियों में रखा है आमदार ने और वो लेके घूम रहा है, और अपने साथ कुछ चंद भारतीय जनता पार्टी के कॉन्ट्रेक्टरों को लेकर घूम रहा है। तो वहाँ की जनता ने उनसे पूछना चाहिए कि आमदार महोदय, एक तो 5 साल के बाद में हमारे झोपड़पट्टियों में चेहरा दिखाया, व्यापारियों को चेहरा दिखाया है, तो काम के साथ वर्क ऑर्डर भी जरूर देखिए कि कौन सा काम कहां पर है, वर्क ऑर्डर वो नहीं दिखा रहे। पत्रकार महोदय से भी मैं विनंती करूंगा कि उनसे वर्क ऑर्डर पूछे कि वर्क ऑर्डर कहां पर है, काम कब चालू होने वाला है और कब खत्म होने वाला है, ये उनसे जरूर पूछे। नारियल फोड़ने वाले आमदार ने पूरे शहर में ये इस तरीके से गलियों में, नालियों में जाकर वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में नारियल फोड़ रहे हैं, तो उसको वर्क ऑर्डर जरूर पूछे कि आपके वर्क ऑर्डर है किधर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।